मोदी सरकार सत्ता में आई तो बहुत सी योजनाएं भी लेकर आई, इन्हीं में से एक योजना है सौभाग्य योजना, जिसने बहुत से ऐसे गांवों को रोशन करने का काम किया जो आजादी के बाद अब तक अंधेरे में थे। ऐसा ही एक गांव ये लोहता का गांव है, जहां पर आजादी के इतने साल बाद लाइट पहुंची है। हम आपको कुछ यहाँ की गांव की हकीकत से भी रूबरू कराते हैं। देखिए, ये एक छोटा सा कच्चा मकान है जहां पर आजादी के बाद बिजली पहुंची है। आप देखिए, मीटर लगा है, सौभाग्य योजना के तहत ये मीटर लगा है। फ्री में बिजली कनेक्शन देने का जो वादा सरकार ने किया था, उसके तहत यहाँ मीटर लगाया गया। और आज मीटर के बाद आप देख सकते हैं, इस छोटे से जो कच्चे मकान में जो एंटरटेनमेंट का इंतजाम है, टीवी का, वो भी है। यानी इस गांव में जहां लाइट नहीं थी, वहां पूरी व्यवस्था एंटरटेनमेंट की है। ये इस मकान की मालकिन है, और यहां पर किस तरह से ये पहले जीवन जीती थी और आज स्थिति क्या है, आपका नाम हम जानना चाहेंगे। माला। माला जी, ये सब क्या है, किस योजना के तहत आपको मिला? सौभाग्य योजना में हमारे घरे बिजली मिलल। अभी तक आपके घरे लाइट रहल? नहीं। अभी लाइट आयल? 2 महीना भर। पहले कैसे चलत रहा जीवन? दिया बत्ती से। निश्चित है, जिस तरह से माला जी ने बताया कि आजादी के बाद उनका घर रोशन हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जयशंकर जी हैं, पान की दुकान चलाते हैं, छोटी सी पान की दुकान है, लेकिन इस पान की दुकान में भी बिजली का कनेक्शन है। आप साफ देख सकते हैं, ये देखिए, रात के वक्त अंधेरे में जो पहले डिबरी और लालटेन के बल पर यह दुकानदारी होती थी, अब इस तरह से बिजली ने इनकी जिंदगी बदली है। क्या नाम है आपका? जयशंकर। जयशंकर, किस तरह से आपका जीवन बदला है और कब बिजली आई है? बिजली 2 महीना हुआ, 2 महीना के पहले वो दिया से बढ़ रहा था। अब क्या लग रहा है, आने वाले वक्त में कितना और फायदा मिलने वाला है? बहुत से फायदा मिल सकता है। क्या बिजली का कनेक्शन, आप तो युवा हैं, आप तो मोबाइल और सारी क्रांतियों के दौर से गुजर रहे हैं, जब पहले रहते थे और अब रहते थे, कितना अंतर आया? बहुत अंतर आया सर, अब तो 18 घंटा बिजली रहता है। पहले बिजली थी? बिजली था सर, लेकिन इतना फ्लो था ना करने के बाद नहीं, अब सही है पूरा। क्या लग रहा है, सौभाग्य योजना से कितनी जिंदगी लोगों की बदल रही है, कहाँ कहाँ भी आप लोगों के इतना प्रोजेक्ट है? सौभाग्य योजना में हमारा इधर बनारस का डिस्ट्रिक्ट का करीब 30,000 कनेक्शन हमने यहाँ पर किए हैं, और 30,000 घरों को लगभग संतृप्त कर दिया गया है। और इस बस्तर गांव में 13 मजरे थे, 13 मजरों में करीब 30 कनेक्शन हुए हैं यहाँ पर, और 30 कनेक्शन लगभग संतृप्त हो गए हैं। ये काम बहुत ही, मतलब गांव में रोड नहीं था और बड़ी मुश्किल थी, तब भी ये काम को योजना के अंतर्गत जल्दी से जल्दी लागू किया गया है। और अभी जैसे जैसे कुछ फॉर्म आ रहे हैं हमको, और हम अभी काम जा रही है, काम उसको कर रहे हैं अभी तक। जो सरकार की योजना है सौभाग्य योजना, उस योजना ने ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने का काम किया है। जयशंकर, माला, ये युवा साथी और तमाम लोगों की जिंदगियां बदली हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो सौभाग्य योजना में जो फ्री के बिजली कनेक्शन मिले, गांव-गांव में रोशनी आई है, गांव-गांव में खुशहाली आई है। फिलहाल हम आपसे, आपको बता दें कि जो टारगेट सरकार का था सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन देने का, 69,000 का था, लेकिन 1,22,000 से ज्यादा घरों को रोशन किया गया है, और लगातार ये कनेक्शन देने का सिलसिला भी जारी है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।